सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको रामपुरा कॉलोनी से, और आए दिन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अमूमन जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, कहीं ना कहीं इस घटना का शिकार होते हुए नजर आते हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि परिवार जो है किसी काम से बाहर गया था और उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से चोर उनके बाहर जाने का फायदा उठाएंगे और चोरी की घटना को अंजाम देने का काम करेंगे। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास जब एक व्यक्ति जो है उनके घर परिवार का ही आसपास रहता है, वो वहां से गुजरता है मंदिर जाने के लिए, तो बुजुर्ग व्यक्ति देखता है कि घर का ताला टूटा हुआ है। जिसके बाद आप सभी को जानकारी दे दें कि घर से लगभग 110 ग्राम सोना और कहीं ना कहीं कुछ कैश और चांदी का सामान चुराकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। माता जी ने बताया, और अचंभा तब हुआ कि जब उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जो है भगवान की गुल्लक तक के पैसे जो है, लक्ष्मी गणेश की फोटो तक के पैसे जो है, आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से जो है लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से भगवान के मंदिर की भी जो है लोगों ने नहीं छोड़ा, उसका भी सामान तहस नहस कर दिया। माता ठाकुर जी की पुजारी है और पुजारन के साथ साथ ठाकुर जी का सही तरीके से श्रृंगार करती है, लेकिन ठाकुर जी के वस्त्र, ठाकुर जी की मूर्तियां और ठाकुर जी की गुल्लक भी नहीं छोड़ी। ये देखिए किस तरीके से कलयुगी चोर हैं जो भगवान के मंदिर को, भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि रफू चक्कर हो जाते हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है, क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम जी, क्या कुछ वारदात हुई थी एकदम से? हम फंक्शन पे गए थे 2 दिन पहले। अच्छा। तो दादाजी वगैरह, फैमिली हमारी घर ही होती है। अच्छा। तो हम गए थे फंक्शन में, हमें आज सुबह फोन आया 6:30 बजे के करीब कि भी घर में चोरी हुई हुई है। दादाजी मंदिर जा रहे थे, मंदिर जाते ही उन्होंने देखा कि ताला टूटा पड़ा है, तो उसके थ्रू हमें पता लगा कि घर में चोरी मिली है। क्या कुछ कहना चाहिए? नशे के लोग भी हैं यहाँ पे आसपास, पार्कों में नशा करते हैं। जी हाँ जी हैं, यहाँ पे तो बहुत दिन रात ऐसे ही दिखते हैं आप। भगवान का भी सामान तक नहीं। हाँ, भगवान की गुल्लक में पैसे, भगवान की गुल्लक में पैसे थे, लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्ति थी वो भी ले गए हैं, चांदी के सिक्के थे। सामान है जो अभी तक पता चल पाया? अभी तक तो एक सोने की चैन थी 10 ग्राम की, 25,000 रुपए कैश थे और 200 ग्राम चांदी थी, मतलब कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए का सामान वो लेकर आपको चक्कर हो गए। अंकल जी, आपने देखा था? जी मैंने देखा। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम तिलकराज जी। तिलकराज जी, क्या कुछ है, मतलब कि आप दूसरे मकान में रहते हैं? मैं दूसरे मकान में रहता हूँ जी, न्यू करतारपुरा में। अच्छा जी, तो आप सुबह मंदिर आते? मैं मंदिर यहाँ से निकल मंदिर जा रहा था, ताला टूटा देखा मैंने जी, जब मैंने छोड़ डाला। फिर पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति की फोटो दिख रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या कुछ लगता है कि इसका काम हो सकता है? क्या 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 कह सकते हैं, उसकी शक्ल ही दिखाई। कितने बजे की घटना है? हाँ जी, कितने बजे की घटना है? सुबह 6:30 बजे की। मतलब कि बाहर से ताला लगा था, उन्हें पता चल गया होगा कि 2 दिन से ताला नहीं खुला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये भनक थी। बिल्कुल सही बात है आपकी जी। आप भी पास में रहते हैं सर? जी, ये मेरे छोटे भाई का घर है। अच्छा सर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह की घटना है, रुकने का नाम नहीं ले रही। बस कुछ समझ नहीं आ रहा लोग कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना है। और भगवान जी, ठाकुर जी को भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो उन्होंने गुल्लक तोड़ ली, उनमें से पैसे निकाल लिए, चांदी के। देखिए, खुशी का माहौल था परिवार में, शादी में गए थे, लेकिन हम लोग शॉकिंग हो जाता है, गम में बदल जाता है। एक मकान एक गली छोड़ के हमारा घर है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे छोटे भाई का घर है। और जी, जैसे पिताजी यहाँ से मंदिर जाते हैं, सुबह देखा तो ताला टूटा पड़ा था, इन्होंने जाके मुझे बताया, हम भी फटाफट यहाँ भागे हैं, फिर हमने पुलिस फोन। ऐसा हो सकता है कि आसपास किसी जानकार का काम, उसने देख लिया हो कि ताला लगा हुआ है, आपका काम भी ज्वेलरी से रिलेटेड काम है। जी जी जी, ठीक है, काफी समय से काम कर रहे हैं। नहीं, आसपास का तो माहौल है हमारा, ऐसी बात नहीं, सारे फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, कभी किसी से कोई ऐसा कुछ नहीं, पड़ोस हमारा बहुत अच्छा है। जी हाँ, तो आप सभी नु दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से, आप सभी को जानकारी दे दें कि कुछ लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और एक वीडियो सामने जरूर आई है जिसमें आप सभी को दिखा रहे हैं कि
किस तरीके से सीसीटीवी की तीसरी नजर की कैद में जो है वो चोर भी आते नजर आते हैं। मेरी सभी से अपील है, आप लोग देख सकते हैं कि आपका अच्छा सिस्टर का घर है, तो आप इनके सिस्टर का घर है और कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान का, जी हाँ भगवान का दर भी नहीं छोड़ा। पानीपत शादी में गए थे और शादी में जाने के बाद कोई सीसीटीवी वीडियो का भी खुलासा खैर परिवार करता हुआ सामने नजर आ रहा है। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा, बातचीत करी, परिवार में दुख का माहौल है और कहीं ना कहीं सीधा इस तरीके से लॉकर में अच्छा वीडियो कैद हो रही है। वीडियो दिखाना चाहेंगे कि ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में ज़रूर कैद होती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है सुबह का समय है और आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें। जी हाँ एक व्यक्ति जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है, एक व्यक्ति जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं कि चलता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद ये देखिए घर से निकला है और सामान लेकर रफू चक्कर हो रहा है। ये कोई स्मैक टाइप का व्यक्ति लग रहा है जिसने स्मैक की जो है पूरी स्मैक और नशेड़ी लोग हैं जो इस तरीके के पूरे वारदात को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी ही मुश्किलों से घर में एक एक जो है परिवार बनाया जाता है, एक एक जो है बता दें कि संजोया जाता है और उसके बाद इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति नजर आते हैं। कि माता जी क्या नाम है आपका, आप भी नहीं रहती हैं? हां जी जी, ठाकुर जी की गुल्लक भी ले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके? ये ऐसा है जी, ये ना मेरे ना देवर का घर है, तो वो ये शादी पे गए हुए थे, तो वो जब दो तीन दिन से गए हुए थे, तो ये फिर आज सुबह 6:30 बजे हमारे डैडी आए, तो वो फिर देखा उन्होंने कि इनका गेट खुला हुआ है और सारे लॉकर वगैरह सब टूटे पड़े हैं, अलमारियां वगैरह और जो भी। हाँ जी हाँ जी, इनकी फैमिली में मतलब कि माँ है, बेटा है, बेटी है। अच्छा हाँ जी, तो मैं इनकी ताई हूँ बच्चों की। जी हाँ, तो किस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? पुलिस जल्दी चोरों को ढूंढ, हाँ जल्दी से जल्दी, परिवार पर इस तरीके का पहाड़ भी टूट पड़ा, कमाने वाले आप जिस तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लिए। जी इस समय परिवार बहुत भावुक हो जाता है और भावुक परिवार ये आस लगाता हुआ नजर आता है कि जिला प्रशासन इस तरीके की जो गतिविधियां हो रही हैं उसे कम करे। मेरी सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। तो हम उस समय को दे दीजिए इजाजत, बने रहिए आईबी24 के साथ, नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।